नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्पर्श सिन्हा और आप देख रहे हैं व्लॉगर स्पर्श यूट्यूब चैनल। अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, 15 अप्रैल से फिर से ट्रेन संचालन शुरू होने की पूरी संभावना दिख रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बताते चलें, 15 अप्रैल से फिर से ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हो चुकी है ट्रेनों की, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये संभवतः मान सकते हैं कि 15 अप्रैल से ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए पल पल के अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बताते चलें, 21 दिनों का लॉकडाउन 14 अप्रैल को पूरा होने वाला है, जिसके बाद 15 अप्रैल से सभी के मन में ये सवाल है कि क्या ट्रेन संचालन फिर से शुरू होगा। बताते चलें, IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक करेंगे तो आपको वहां पर 15 अप्रैल से ट्रेनों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। आपको वहां पर 15 अप्रैल से ट्रेनों की बुकिंग शुरू करने की सूचना प्राप्त हो जाएगी, जिसके बाद उम्मीदें पूरी हैं, संभावना पूरी है कि 15 अप्रैल से फिर से ट्रेन संचालन शुरू हो जाएगा। सवाल ये भी उठता है किस रूट पर ट्रेनें चलेंगी। बताते चलें, शुरुआती दिनों में हर रूट पर एक साथ ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, धीरे धीरे ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा, धीरे धीरे पटरियों पर ट्रेनें वापस आ जाएंगी। तो दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आखिरकार वो दिन आने ही वाला है जब पटरियों पर वापस लौटेंगी हमारी ट्रेनें और दौड़ेंगी, संभावना ऐसी बन रही है। IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा 15 अप्रैल से ट्रेनों की बुकिंग की संभावना देखी जा रही है। ऑनलाइन वेबसाइट पर 15 अप्रैल से ट्रेनों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि क्या 15 अप्रैल के बाद ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। वैसे उम्मीदें करी जा सकती हैं कि 15 अप्रैल के बाद फाइनली ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, वीडियो को शेयर करिए, सब तक ये खबर पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।